हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बजट। बेसिकली हम बजट को दो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो जो आज की है उसमें हम बजट के बारे में जानेंगे, अबाउट द बजट, और सेकेंड वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस, बजट को प्रेजेंट होने से लेके उसके पास होने तक का पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो बजट के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आता है व्हाट इज बजट। बजट है क्या? बजट एक तरीके का स्टेटमेंट है जो एस्टिमेट बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक साल में कितना रिसीव होने वाला है या कितना खर्चा होने वाला है उसका एक्सपेंडिचर बताता है। बजट जो हमेशा बनाया जाता है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। अगर इस साल की बात करें, इस साल का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टर्म बजट को मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है अंडर आर्टिकल 112। और प्रेसिडेंट शेल, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर में बजट को पेश करना कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट के लिए। बजट सेशन जो स्टार्ट होता है वो प्रेसिडेंशियल स्पीच के साथ स्टार्ट होता है विद जॉइंट सेशन में। जॉइंट सेशन मतलब दोनों हाउसेस का, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन होता है और उसमें प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है। और बजट पेश होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होता है, दैट इज अगर इस साल की बात करें तो वो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। अब आता है हिस्ट्री ऑफ बजट। बजट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1924 में बजट को अलग अलग पेश किया गया, मतलब कि रेल बजट को अलग पेश करते थे और जनरल बजट को अलग पेश करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वत कमेटी जो बनी थी 1921 में। लेकिन 2017 में जनरल बजट और रेलवे बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले बजट को हमेशा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ही बजट को 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाने लगा। अब बेसिक इसमें बात यह है कि बजट को पेश करना जरूरी है। अब वो चाहे लास्ट वर्किंग ऑफ द फरवरी में पेश हुए या 1 फरवरी में पेश हुए, लेकिन कंपलसरी क्या है, प्रेसिडेंट शेल लेट डाउन द बजट बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। शेल मतलब इट्स कंपलसरी टू लेट डाउन द बजट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बजट के, ये एस्टिमेट लगाना कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट कितना होने वाला है या कौन कौन से तरीकों से रेवेन्यू को रेस करने वाले हैं, मतलब कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू आता है या कौन सी स्कीम जहां से रेवेन्यू आ सकता है। एस्टिमेट लगाना कि कितना खर्चा होने वाला है, कि ऑनगोइंग स्कीम्स पे या कोई भी प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिटेल में डिस्कशन होता है कि अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डेफिसिट रह गया, जहाँ पे पैसा कम पड़ गया या जहाँ से पैसा अच्छा खासा आया, सरप्लस आया, उसको भी डिटेल और डिस्कशन होता है। और बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, टैक्स प्रपोजल या कोई नई स्कीम या प्रोजेक्ट आता है उसको, वो भी बजट में इंक्लूड किया जाता है, या प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यूज को भी बजट में इंक्लूड किया जाता है, या कोई भी ऑनगोइंग प्रोग्राम पे अगर कोई स्पेंडिंग करनी है तो वो भी बजट में इंक्लूड किया जाता है। अब आता है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। बेसिकली जो बजट बनाया जाता है उसमें एक्सपेंडिचर मेन कंपोनेंट होता है, मतलब कि कौन सी मिनिस्ट्री और कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है उनके स्कीम प्रोग्राम्स उनकी वर्किंग को स्मूथली चलने के लिए। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं चार्ज्ड और एक होते हैं मेड। चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं
जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि जिनको हर साल, जो हर साल चार्ज किए जाते हैं, उन पे कोई वोटिंग नहीं होती है हाउस में, और उनको सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेड एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो नए एक्सपेंडिचर होते हैं, जिनकी फिगर हर साल बदलती रहती है और हमेशा हाउस में उनके लिए वोटिंग की जाती है। चार्ज एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सो एन एंड सो फोर्थ। मेड एक्सपेंडिचर होते हैं कोई भी नई स्कीम पे पैसा लगाना या नए प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना, या किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना, वो सारे मेड एक्सपेंडिचर होते हैं। वो भी किए जाते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन उसके लिए हाउस में वोट भी होता है और डिस्कशन भी होता है। अब टाइप्स ऑफ फंड क्या कौन से होते हैं? हमेशा हम सुनते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के बारे में या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमें पता भी होना चाहिए ये होते क्या हैं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तरीके का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होता है, जहाँ पे उनको जितना भी रेवेन्यू हो रहा है वो रिसीव होता है और जो खर्चे होते हैं वो वहाँ से खर्च किए जाते हैं। रेवेन्यू जो इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसीव होता है, वो होता है वाई इनकम टैक्स, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज या नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट पे सरप्लस हो गया तो वो रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाता है, या कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी रेवेन्यू में इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके के होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज। और एक्सपेंडिचर तो एज वी नो कि जो भी खर्चे होते हैं किसी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी में या किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस में आते हैं। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरीके का बैंकर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज का जो PF होता है उसको इकट्ठा किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके का बैंकर का काम करता है। बैंक का भी यही काम होता है कि वो हमारी सेविंग्स को अपने पास रखता है और उस पर हमें इंटरेस्ट देता है। इस तरीके की स्कीम से जो पैसा आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बैंकर का काम करता है और लोगों को इंटरेस्ट देता है, वो पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। थर्ड इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्राइसिस के टाइम पे यूज होता है, एज द नेम सजेस्ट कंटिजेंसी। ये सिर्फ क्राइसिस के टाइम पे यूज होता है, कोई भी नेचुरल कलेमिटीज आ गई, फॉर एग्जांपल कोविड के इतने केसेस आ गए थे, उस कंडीशन में इस यहाँ से मनी निकाल के और सिचुएशन को डील किया जाता है। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट बजट। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching my video. Till then, stay happy, stay safe.